अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, मेरा ये चैनल फिज़िक्स के दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। मैंने मैट्रिक क्लास एसटीबी की बुक जो है सिंध बोर्ड की दो हिस्सों में डिवाइड की है। एक है रे डायग्राम और एक है न्यूमेरिकल पोर्शन। रे डायग्राम एक ऐसी डायग्राम है जो बच्चे बुक से देखकर बस एज इट इज छापते, लेकिन एग्ज़ाम में रे डायग्राम के नाम से आती है। ये मैंने टॉपिक लिखा हुआ है रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये कैसे बनानी है, क्या है, वो सारा प्रोसेस मैं अपने स्टूडेंट को बता रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह जो है मेरा टॉपिक होगा न्यूमेरिकल का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर 10। अभी मैं अब जो बना रहा हूँ वो रे डायग्राम है। एग्ज़ाम में आता है कि राइट डाउन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, या यूं भी पूछ देखते हैं कि वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अब वो डायग्राम बुक में कैसे बनी है और हमने कैसे बनानी है उसको ज़रा आप नोट करें। देखिए, रे डायग्राम बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले यहाँ से एक लाइन लगा ली, उसके बाद आपने इधर से 3 सेंटीमीटर पर या 2 सेंटीमीटर पर किसी भी फासले से ये एक लाइन आपने लगा ली। अब ये जो है 1 2 3 3 लाइनें ऊपर, 1 2 3 3 नीचे, उसके बाद आपने इन दो पॉइंट को, एजिस को मिला देना है। ये मिल गया, और इसी तरीके से इसकी डायरेक्शन चेंज कर कर इन पॉइंट को मिला देना है। ये आप मिलाएंगे तो डाई खुद ही मिल जाएगा। ये आपका मिरर बन गया। अब नेक्स्ट मिरर जो बनाना है ये आपका आईपीस है, नेक्स्ट बनाना है, तो वो 6 सेंटीमीटर पर आपने यहाँ से और इधर 6 सेंटीमीटर, यहाँ आपने 3 लाइनें ली थी, यहाँ आपने 2 लाइनें लेनी है, 2 ऊपर और 2 नीचे। बनाना उसी तरीके से है, इनके पॉइंट को मिला देंगे, एजिस को, और इसी तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन चेंज इस तरह, ये मिरर बन गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर पर, ये जो नीचे वाली फर्स्ट लाइन है वहाँ से सेकंड और यहाँ से फर्स्ट 1 सेंटीमीटर पर तकरीबन, या 2 सेंटीमीटर पर किसी पर, 2 सेंटीमीटर पर ज़्यादा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर पर आपने एक ऐसे लाइन लगा देनी है इधर से, बस ऐसे ये पॉइंट आ गया। उसके बाद इस पॉइंट को आपने ये ऊपर वाली, जैसे यहाँ से नीचे एक लाइन ली है, ऐसे वहाँ से ऊपर ये यहाँ क्रॉस कर देना है, इसको क्रॉस नहीं करना है, ये यहाँ तक मिला देना है। इधर से ऊपर एक लाइन, यहाँ से इधर, ये इधर क्रॉस करके इसको स्ट्रेट कर देना है। देखें, जैसे ये लाइन आई ऐसे स्ट्रेट, और ये क्रॉस करके इधर आ गई, यहाँ से ये स्ट्रेट हो गई। अब उसके बाद ये पॉइंट आपको मिल गया, दूसरा पॉइंट आपने यहाँ से मिलाना है, ये सेंटर से, ये मिल गया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये जो लाइन मिली है यहाँ से आपने, और यहाँ से ये तकरीबन 6 लाइन पर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। अगर ये 3 पर मिल रहा है तो ये 6 पर आएगा। मिलना कहाँ है, ये जहाँ क्रॉस कर रही है, इधर से आपने तकरीबन 6 सेंटीमीटर, 6 लाइन पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ रहा है ये, और ये वाला पॉइंट,
यहाँ से इस पॉइंट को मिलाना है और आगे आपने डॉट डॉट करने ऐसे, इस पॉइंट से ये पॉइंट से ऐसे नीचे ले जाना है। उसके बाद आपने ये वाला पॉइंट जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था, ये आ रहा था 1 2 3 4 5 से, ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, ये अमूमन मैग्नीफाइंग बनता है। और आगे से ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ से ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये आई पीस बनेगा। ये लाइन आ रही है, हमने पहले ये लाइन ली, ऐसे स्ट्रेट कर दिया, फिर यहाँ से स्ट्रेट कर दिया, ये पॉइंट मिलाकर यहाँ से क्रॉस करके ये यहाँ मिल गया, इधर से ऑब्जेक्ट बन गया। ये लाइन आपकी यहाँ से टच करिए इस पॉइंट पर जहाँ पर ये मिला है, ये आपका रियल इमेज है। ये क्या है? रियल इमेज। आप ये जो मिल रहा है ये हमारा इस पॉइंट पर मिलेगा। फिर आप इसको थोड़ा सा रब कर लें, इस जगह पर मिल रहा है, इसको थोड़ा सा रब कर लें यहाँ पर, जहाँ इस जगह से लेकर यहाँ तक ये मिल रहा है, ये हमारा रियल पॉइंट है, यानी रियल इमेज है, और ये हमारा वर्चुअल है। बाकी आप इसको रब कर देंगे पेंसिल से, आप बनाएंगे इसका, ये इसका मिरर फार्मूले के एक कंपाउंड फार्मूले का ये रे डायग्राम है। यहाँ आपने आई बनानी है, आई है, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पीस है, और इस तरीके से ये रे डायग्राम आप पेंसिल से बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर बनेगी। नेक्स्ट मेरा जो है टॉपिक होगा इंशाल्लाह, इसके बाद जो है वो साथ साथ में रे टॉपिक भी पढ़ाऊँगा, और साथ कल जो है इंशाल्लाह हम जो करेंगे वो न्यूमेरिकल चैप्टर 10, यानी कि फिज़िक्स के मैट्रिक क्लास का चैप्टर 10, फर्स्ट चैप्टर, उसके न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक एंड अंडरस्टैंड माई वीडियो, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। Thanks.